नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक TIA पोर्टल प्रोजेक्ट के अंदर ऑफ डिले टाइमर को कैसे इंसर्ट एंड कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए मैं ऑफ डिले टाइमर को नेटवर्क वन में इंसर्ट कर लेता हूं। तो सबसे पहले टाइमर को स्टार्ट करने की कंडीशन के लिए मैं एक NO से स्टार्ट करता हूं। इसके लिए मैं एक TOF टाइमर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं। दोस्तों, टाइमर एक स्टैंडर्ड फंक्शन ब्लॉक है, इसके लिए हमें एक इंस्टेंस डेटा ब्लॉक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और टाइमर को असाइन हो जाएगा। तो कॉल ऑप्शन पॉपअप ब्लॉक की हेल्प से हम उस डेटा ब्लॉक को कोई नाम और नंबर भी दे सकते हैं या ऑटोमेटिकली भी हम उसको सेट कर सकते हैं। तो टाइमर के PT इनपुट पे मुझे डिज़ायर डिले टाइम डालना है। इस एग्जांपल में मैंने 5000 मिली सेकेंड्स का यूज़ किया है। अगर ज़रूरत है तो हम इलैप्स टाइम की स्टोरेज लोकेशन भी डाल सकते हैं। तो टाइमर से कंट्रोल होने के लिए मैं आउटपुट Q0.1 का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो टाइमर हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है और रेडी टू यूज़ है। इसके बाद हम अपने ब्लॉक को डाउनलोड कर देंगे PLC के अंदर। डाउनलोड करने के बाद हमें टाइमर ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर बटन पर क्लिक करना है। तो जब टाइमर का इनपुट इन लो है तो हम देख सकते हैं आउटपुट भी हमारा लो है। तो जैसे ही हमारा इन हाई होता है तो टाइमर का आउटपुट भी हमारा हाई हो जाता है, और जब तक इन हाई रहेगा तब तक आउटपुट भी हाई रहने वाला है। जैसे ही इन लो होता है तो टाइमर हमारा टाइमिंग रन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन क्यू फिर भी हाई रहता है। इलैप्स टाइम को हम ET आउटपुट में देख सकते हैं। अब जैसे ही इलैप्स टाइम हमारा सेट पॉइंट टाइम PT के इक्वल होता है तो आउटपुट Q हमारा लो हो जाता है। अगली बार जैसे ही इन इनपुट पर हाई पल्स आती है तो टाइमर हमारा रीसेट हो जाता है। अब इन इनपुट पर जैसे ही फॉलिंग एज या इन इनपुट लो होगा तो सेम सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा, और सीक्वेंस के बीच में कभी भी अगर इन इनपुट पर हाई वैल्यू आती है तो हमारा टाइमर रीसेट हो जाता है और अगली बार फॉलिंग एज या लो वैल्यू होने पर ही फिर से स्टार्ट होता है। हमारी सेवाओं और ट्रेनिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.aeab.in पर लॉग ऑन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ें। धन्यवाद।